हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मैं इसलिए भी आज खुश हूँ कि स्वाय मेरे ख्याल में प्रवीण साहब आपका सब पहली दफा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं जिन्होंने शिरकत की आज। ये मेरी 21 साल से कोशिश थी कि वो लोग पॉलिटिक्स में आए कराची में, जो पढ़े लिखे लोग, जो मीडिया में हैं, जो एंटरटेनमेंट में हैं, जो अर्बन मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हैं, जिस तरह डॉक्टर इमरान। ये मुश्किल ये थी कि ऐसे लोग कराची में पॉलिटिक्स में आते नहीं थे, और उसकी वजह ये थी कि जो दहशतगर्दी कराची में हुई है पिछले 30-35 सालों में, उससे जो पढ़े लिखे लोग थे वो डरते थे आते हुए, खौफजदा थे, और उनकी फैमिलीज खौफजदा थी। हमारे जो लोग हमारे साथ चले हैं, जिस तरह फिरदौस हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, इमरान इस्माइल, अली जैदी, फिरदौस नकवी, ये जो हमारे जो पुराने लोग थे, इनको ये बड़े प्रेशर में इन्होंने पॉलिटिक्स की है। इनके घर में मसले थे, थ्रेट्स थी, धमकियां आती थी, तो उस माहौल में पॉलिटिक्स में आना उन लोगों का जो कि पढ़े लिखे लोग थे, जिनको आना चाहिए था, वो आते नहीं थे। तो बड़ी मुश्किलों से ये आज ब्रेक थ्रू हुई है, और मुझे बड़ी खुशी है कि अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि वो लोग जिनको आना चाहिए था वो आ रहे हैं पॉलिटिक्स में। और ये बड़ा ज़रूरी है कराची के लिए। ये कराची के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो कराची के हालात हम देख रहे हैं अब, गंदगी और कूड़ा करकट तो अलहदा चीज़ है, जिस तरह की करप्शन है, ये वो शहर होना चाहिए था अगर ये यहाँ दहशतगर्दी ना आती और इंतशार की सियासत ना होती, तो ये आज दुबई जितना बड़ा दुबई बना ये बनता ना। यहाँ से लोग गए हैं दुबई में, यहाँ से पैसा दुबई गया है, यहाँ से जो आज बेरोजगार हैं वो दुबई जा रहे हैं नौकरियाँ ढूंढने के लिए, इसलिए कि कराची के अंदर जिस तरह का जो पॉलिटिक्स हुई है और जो खौफ के ऊपर पॉलिटिक्स हुई है, ये बहुत बड़ी वजह थी कि कराची डेवलप नहीं हो सका। इंशाल्लाह जो हमारी कहा कि कराची लावारिस है, इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कराची को वो नहीं, किसी ने नहीं किया। जो कराची के जो गॉडफादर थे वो लंदन चले गए, और जो सिंध में गवर्नमेंट में आते थे उनका ज़्यादा इंटरेस्ट कराची में नहीं था, क्योंकि उनको वोट नहीं पड़ती थी कराची से। तो वो तो कराची को एक मिल्किंग काउ बनाया हुआ था पैसे निकालने के लिए। तो वो नज़र आता है कि अब कराची के अंदर जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खंडर बन चुका है, और माफियाज प्रिवेल करते हैं, जिस तरह टैंकर माफिया है, पानी नहीं मिलता यहाँ, यहाँ की जो पुलिस का सिस्टम है, पुलिस को तबाह किया गया यहाँ। आज अगर रेंजर्स हैं तो इसके ये इसलिए है कि पुलिस तबाह कर दी है। तो इंशाल्लाह जो हम करेंगे, हम आपके लिए एक नया सिस्टम लेके आएंगे, नया पाकिस्तान में नए इदारे बनेंगे, मजबूत इदारे बनेंगे। और जो कराची में सबसे ज्यादा इदारा है जिसको मजबूत करना है वो लोकल गवर्नमेंट है। कराची के अंदर एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर आना चाहिए, जिस तरह लाहौर में आना चाहिए, जिस तरह पेशावर में डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर, जो फिर अपनी पूरी टीम बनाए और उसकी टीम हो एक्सपर्ट्स की, जो कि फिर ये सारी ये जो सीवरेज का और ये जो गंदगी है और ये जो कराची को चलाना है एडमिनिस्ट्रेटिवली चलाना, वो एक प्रॉपरली एम्पावर्ड मेयर जिसके पास फाइनेंशियल पावर्स हो वो ठीक कर सकता है। अगर न्यूयॉर्क और लंदन के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर को एम्पावर किया जाता है, इसलिए वो ठीक चलते हैं। और पुलिस सिस्टम सबसे ज़्यादा ज़रूरी कराची में, वो पुलिस सिस्टम जो पख्तूनख्वा में आज पुलिस एक्ट पास किया है, जिसके तहत पुलिस को एम्पावर किया है, सियासी मुदाखलत ख़त्म की, प्रोफेशनल पुलिस फोर्स बनी है, NTS पे सिलेक्शन होती है, यहाँ पैसे दे के बनते हैं पुलिस वाले, पैसे दे के पोस्टिंग ट्रांसफर होती है। यहाँ पता नहीं, मैं फिगर देख रहा था IG के ऑफिस से निकली थी कि यहाँ कम अज कम कोई 1200 या 12,000 पुलिस वाले क्राइम पे लगे हुए हैं,
पुलिस क्राइम पे लगी हुई है, पुलिस जुर्म कर रही है। तो इसकी वजह यह है कि पुलिस के अंदर जब आप पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती करवाएं और उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे पे हो, तो वो पैसे अवाम से रिट्रीव करते हैं, अवाम को लूटते हैं। तो इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस सिस्टम, वो जो पख्तूनख्वा में बल्दियाती निज़ाम जो आज पख्तूनख्वा के अंदर है, जो कि कराची के मेयर कहते हैं कि हमें पख्तूनख्वा वाला बल्दियाती निज़ाम चाहिए जो एम्पावर्ड है। इंशाल्लाह ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कराची फिर वही रोशनियों का शहर बन सकता है इंशाल्लाह। जी जी जी, एक बारी बारी मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ, पहले मैं बात कर लूँ। जी मैंने फैसला किया कि कराची में ये 2018 में मैं कराची से इलेक्शन लड़ूंगा, और वो कौन सा हल्का वो अभी हमारी टीम फैसला करेगी, लेकिन वो इसलिए लड़ूंगा मैंने फैसला किया क्योंकि देखें होता क्या रहा है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि कराची लावारिस है, कराची का गॉडफादर इतनी देर से लंदन में है, और सिंध में जो पार्टी आती थी वो कराची को ओन नहीं करती थी। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हमारी तरह जो कि हम अपने आप को एक फेडरल पार्टी समझते हैं, हमारी कोई कन्फाइन एक सूबे की पार्टी नहीं है, सारे पाकिस्तान की पार्टी है। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कन्फाइन हो गई हैं एक इंटीरियर सिंध के अंदर और एक सेंट्रल पंजाब में। हम अपने आप को एक नेशनल एक फेडरल पार्टी समझते हैं, और फेडरल पार्टी जो भी होगी उसके लिए ज़रूरी है कि कराची को वो उठाए, क्योंकि कराची तो पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर कराची ऊपर जाएगा तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। तो ये जो कराची को ना तख्ते लाहौर से कराची को कि कभी किसी ने परवाह की, और ना सिंध में बैठ के क्योंकि वहाँ से वोट मिलते थे, ना उन्होंने कभी परवाह किया। तो इंशाल्लाह हम तहरीक इंसाफ और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे और हम आपको कराची को ठीक करके दिखाएंगे। जी 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 बारी देखिए बाय इलेक्शन, अगर आप बाय इलेक्शन पे जाते हैं कि बाय इलेक्शन में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो 2002 से लेकर 2007 तक काफ लीग पावर में थी और नून लीग ऑपोजिशन में थी, एक बाय इलेक्शन उन्होंने नहीं जीता ऑपोजिशन में, एक बाय इलेक्शन नून लीग ने नहीं जीता और 2008 का इलेक्शन जीत गए। उसके बाद पीपल्स पार्टी पावर में थी पंजाब में, पता नहीं 7 बाय इलेक्शन हुए हैं, उनमें से 6 पीपल्स पार्टी जीत गई और जनरल इलेक्शन हार गई। बाय इलेक्शन कोई इंडिकेशन नहीं होता, क्योंकि आपके सारी इंतजामिया आपकी पुलिस आपकी नीचे पोलिंग स्टाफ सारा आपका, और फिर मरात आपके पास, पैसे आप दे रहे हैं लोगों को, खरीद आप रहे हैं लोगों को, डेवलपमेंट फंड आप करवा रहे हैं, ये बाय इलेक्शन कोई इंडिकेशन नहीं है। ये इलेक्शन इंशाल्लाह 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में वो इलेक्शन होगा जो सारे मुल्क को बदल देगा। मैंने आपने जो अभी बात की कि ये क्यों निकाला जो टूर हो रहा है, आज जो इंकशाफात सामने आए हैं, हम समझते थे कि 300 अरब रुपया सिर्फ शरीफ खान नवाज शरीफ का खानदान बाहर लेके गया, अब जो चीज सामने आ रही है वो नवाज शरीफ ठीक कह रहे थे कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं, अब पता चला 900 अरब रुपया मुल्क से बाहर लेके गए। 900 अरब रुपया इनकी दौलत है, 9 बिलियन डॉलर। ये जो अब आपको समझ आनी चाहिए कि क्यों निकाले का दौरा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको डर लगा हुआ है कि अगर इनको कन्विक्शन हो गई जो होनी है, क्योंकि उन्होंने कोई सफाई पेश नहीं की, इनके ऊपर ओनस था
जब आप इक्तदार में हो और आपके पास वो दौलत निकला है जो आप साबित नहीं कर सकते कि आपके हलाल के पैसे से है, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप बताएं किधर से पैसा आया। अब 900 अरब रुपया, ये हमें बताएं कि इनकी, मैं जो पढ़ रहा हूं कि 99 में कोई 6 करोड़ रुपया इन्होंने अपनी पूरी दौलत दिखाई थी, अपनी पूरा एसेट्स दिखाए थे, तो ये 900 अरब रुपया किधर से आ गया है? और इसलिए क्योंकि ये नहीं बता सकते, क्योंकि मुझे जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया तो मैंने 40 साल के रिकॉर्ड दिए इनको। एक लंदन का फ्लैट था 60 लाख का, खरीदा था मैंने आज से 33 साल पहले। 64 डॉक्यूमेंट्स दिए मैंने, 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए एक फ्लैट के ऊपर। इन्होंने जो 300 अरब रुपए का बताना था किधर से आया, एक फ्रॉड कतरी खत इन्होंने दिया, एक खत, और वो सारी दुनिया जानती है कि वो फ्रॉड है। तो मुझे ये बताएं कि अगर आप ये नहीं बता सकते 900 अरब रुपया की दौलत किधर से आई, तो फिर एक ही रास्ता रह गया ना कि सड़कों में मारे मारे फलों की साजिश हो गई, मुझे क्यों निकाला, मेरे ये अदलिया मेरे खिलाफ है, इंटरनेशनल साजिश है, वो पैनमा में पेपर वो साजिश है। ये अब साजिश ही रह गई ना, क्योंकि बताने को तो है कुछ नहीं। और इसलिए ये लोगों को समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, लोगों के सामने ड्रामे करेंगे, लोग मान जाएंगे कि कोई बहुत बड़ा ये सियासी शहीद होने जा रहा है। सियासी शहीद तब होता है जब वो किसी नजरिए पे खड़ा होता है। जो चोरी करके शहादत मांगता है उसको शहादत नहीं मिलती, उसको जेल मिलता है। देखिए, जो सेनेट के इलेक्शन हुए, मैं सिर्फ इसके ऊपर एक लफ्ज इस्तेमाल, जो एक जुमला इस्तेमाल करना चाहता हूं कि ये जमहूरियत की नफी हुई है। ये इलेक्शन नहीं हुए, ये पैसा चला है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी केपी के लोगों के ऊपर पैसा चला, और उससे ज्यादा अफसोस से कहना पड़ता हूं कि उन्होंने अपने, कई लोगों ने अपने आप को बेचा। पैसा भी, रिश्वत दी भी गई और रिश्वत ली भी गई। हमें यह तो पता है कि रिश्वत किसने दी। बदकिस्मती से हमारे पास यह सबूत नहीं है कि रिश्वत ली किसने, क्योंकि रसीद देके तो रिश्वत नहीं कोई लेता। अब रिश्वत ली तो है, बिके तो है। अब इसके लिए मेरी परवेज खटक साहब के साथ बात हुई है, हम इसके ऊपर एक पूरी इंक्वायरी टीम बैठा रहे हैं और पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हमारी पार्टी में से बिके हैं। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं 3 साल से लगा हुआ हूँ। हमारी पार्टी ने जो पार्लियामेंट की इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी थी, उसमें हम कहते रहे कि ये सारी कौम को पता है कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, पॉलिटिशियंस नीलाम होते हैं, कीमतें लगती हैं, डेमोक्रेसी की निगेशन होती है, हमारी सेनेट को डिस्क्रेडिट किया जाता है। हम कहते जा रहे थे कि या डायरेक्ट इलेक्शन करवाएं सेनेट का जैसे अमेरिका में होता है, या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दें कि जितनी आपकी सीटें हैं उसके मुताबिक, जिस तरह हम औरतों की रिजर्व सीट्स पे औरतों को सिलेक्ट करते हैं, उसी तरह हमें सेनेटर्स को करने दें। रिफ्यूज किया गया, मुस्तरद की गई, पता होते हुए कि पैसा चलता है और रिश्वत चलती है। और अब रेट क्या लगी, 4 करोड़ रुपए की रेट लगी एक सेनेटर, एक एमपी का जमीन खरीदने की, 4 करोड़ रुपए पे बिके हैं लोग। अब मैं ये पूछता हूं कि क्या ये मेरी जिम्मेदारी है पता चलवानी? क्या यहां इदारे खत्म हो गए हैं? क्या नैब की जिम्मेदारी नहीं, एफआईए की जिम्मेदारी नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको सारी कौम को पता कि लोग बिके हैं, अवाम के सामने लोग बिके हैं? हमारी जमहूरियत को जो नुकसान पहुंचा है पब्लिक की नजर में, मुझे कौन जिम्मेदार है इसका? मुझे कहा जी अब मैंने लानत भेजी है उन लोगों की पार्लियामेंट में जिन्होंने हाथ खड़े करके कहा कि जनाब एक कौम का मुजरिम पार्टी का हेड बन सकता है, और खत्म नबूवत के ऊपर एक बाहर की लॉबी को खुश करने के लिए इन्होंने हल्फ बदल दिया।
तो मुझे उसके ऊपर कहते हैं, अब मुझे बताएं सारी कौम लानत भेज रही है सियासतदानों के ऊपर, क्योंकि सबको पता है कि पैसा चला है, रेट भी सबको पता चल गई है कि 4 करोड़ रुपया लगा है। हमें यह भी अब हमें यह नहीं पता कौन बेचे हैं, हमें यह पता है कि खरीदा किसने है, हमें यह नहीं पता कि बिके कौन है, हमें यह पता है कि बिके हैं। हमारा ये काम नहीं है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है। इमरान खान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस मौके पर उनका ये कहना था कि मेरी 21 साल से कोशिश थी कि वो लोग जो मीडिया में हैं या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं कराची की सियासत में आए, और ऐसा अब होने जा रहा है जिसकी मुझे बेहद खुशी है। उन्होंने कहा कि 12,000 पुलिस अहलकार ऐसे हैं कराची में जो जराइम में मुलव्वस हैं, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बराए रास्त मुंतखब होना चाहिए कराची मेयर को, अगर ये चंद तब्दीलियाँ हो जाएंगी तो पाकिस्तान की रोशनियाँ एक दफ़ा फिर बहाल हो जाएंगी।